और अब मैं आज के मुख्य वक्ता परम पूज्यपाद श्री स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज को मैं उनके संबोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। महाराज जी कृपया आए। बंधुओं, आपसे भी एक निवेदन है, इस सत्र में हम ओपन क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, बल्कि आपको पेपर दे दी जाएगी और आप अपना क्वेश्चन लिख के हमें जमा कर देंगे और महाराज जी फिर उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। महाराज जी कृपया। ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिनेतापहारिणे जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोषित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज, रामकृष्ण अद्वैत आश्रम के अध्यक्ष, अन्य उपस्थित सन्यासी वृंद, उपस्थित महानुभावों, अभी जिनका प्रवचन आपने सुना, ऐसे श्री तीर्थ गांगुली जी, उपस्थित शिक्षक भाई बहनों एवं प्यारे विद्यार्थी भाइयों एवं बहनों, माय डियर यंग फ्रेंड्स, आप लोगों से मिलकर के मुझे बहुत प्रसन्नता है। बहुत प्रसन्नता इसलिए है कि पहली बार मैं वाराणसी में युवकों के साथ मिल रहा हूँ। सारे देश में जाता हूँ पर सबसे पहले मैं अभिनंदन देना चाहूँगा पूज्य स्वामी विश्वात्मा जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि आप सबसे मिल सकूं। और 100 साल के इतिहास में उन्होंने सबसे पहली बार युवा सम्मेलन रामकृष्ण अद्वैत आश्रम में बुलाया है, ये बहुत बड़ी बात है। 2 महीना पहले छोटा सा हुआ, फिर उनको हिम्मत आ गई, उनको इनकरेजमेंट हुआ, नहीं हो सकता है अद्वैत आश्रम में भी हो सकता है। ये तो अद्वैत आश्रम में तो सब अद्वैत भाव में रहते हैं, आत्मा परमात्मा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो युवा भी मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है। परंतु उसके बावजूद उन्होंने यह आज़ादी के अमृत महोत्सव के प्रसंग पर यह आयोजन किया, मुझे बुलाया, मुझे भी बड़ी प्रसन्नता है। और क्वालिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वांटिटी, तो पूज्य महाराज को बोल रहा था कि आपका हॉल भले छोटा हो, इसके कारण संख्या भले कम हो, पर क्वालिटी बहुत अच्छी है। सुबह से अभी तक नोट आउट है, कम बात है भाई 45 मिनट में ही आउट हो जाते हैं, और यहाँ कब से सुबह से बैठे हो और इतना पूछ रहे हो, तुम्हारे भीतर में जिज्ञासा है और अभी भी नॉट आउट हो, तो अभी आउट होना है ना, नॉट आउट रहना है उस समय के लिए, आउट हो जाना है, नॉट आउट रहना है, थोड़ी देर तक चलेगा ना प्ले, कि गेम बंद करना है, चलना है, ये चलाओ मैं आगे ठीक। तो अभी अभी बहुत अच्छा प्रवचन दिया फिर गांगुली जी ने और कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, ये बात सच है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपना ऐतिहासिक प्रवचन दिया था शिकागो विश्व धर्म सभा में, आपको मालूम होगा, जबकि उन्होंने 11 सितंबर 1893 को 1893 11 सितंबर, वो भी 9/11 था, परंतु हमने उनकी बात तो नहीं सुना, इसलिए दूसरा 9/11 हुआ 2001 में, 108 साल के बाद, वो बात अलग है। पर उन्होंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका जब कहा तो 2 मिनट तो उसी में चली गई, बची 3 मिनट, 3 मिनट में उन्होंने जो प्रवचन किया
सारे विश्व में केवल 3 मिनट के प्रवचन के द्वारा सारे विश्व में सनातन धर्म का झंडा उन्होंने फड़का दिया चारों ओर चल के बैठे। वहां पर उन्होंने वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना सर्वधर्म समन्वय की भावना रखी थी जो भारत की देन है सारे विश्व को। तो जब स्वामी विवेकानंद इतने वहां पर विवश हुए कि 3.5 वर्षों तक वहां पर रहे और फिर भारत जब वापस लौटे तो उनका ऐसा ही स्वागत हुआ जैसे विश्व विजेता का होता है। और उस स्वागत के उत्तर में उन्होंने जो भाषण दिए अत्यंत प्रेरणादायी भाषण अत्यंत ओजस्वी भाषण पूरे फायर स्पीचेस ये सब के जो उन्होंने भाषण दिए थे उसमें से बाद में भाषणों का एक संकलन किया गया लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा क्योंकि कोलंबो उस समय भारत में था सबसे पहले वे कोलंबो आए और फिर धीरे धीरे कोलंबो से रामेश्वर मद्रास कलकत्ता और अल्मोड़ा हिमालय तक गए सभी जगह पर उनके जो प्रवचन है उन अग्निमय प्रवचनों के अंशों को आपकी जो आप किताबें दी है उसमें आप उस किताबों का पढ़ना तब पता लगेगा क्या फायर का होगा। रोमा रुला ने रविन्द्रनाथ टैगोर उन्होंने रोमा रुला को कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना है नोबेल लॉरिएट वो नोबेल लॉरिएट रोमा रुला फ्रेंच मनुष्य रोमा रुला ये भी नोबेल लॉरिएट एक नोबेल लॉरिएट ने दूसरे नोबेल लॉरिएट को लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर ने रोमा रुला को लिखा If you want to know India, study Vivekananda. In him, everything is positive, nothing negative. यदि आप भारत को समझना चाहते हैं, तो स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़िए। उसमें सकारात्मक सब कुछ है, नकारात्मक कुछ भी नहीं है। और जब फ्रेंच मनीषी रोमा रुला ने किताबें पढ़ी, वो इतने प्रभावित हुए, उन्होंने स्वामी विवेकानंद का ग्रंथ लिखा, उनकी जीवनी लिखी, और बाद में स्वामी विवेकानंद के शब्दों के बारे में भी लिखते हैं These words are great music, phrases in the style of Beethoven. I cannot touch these sayings of his, scattered as they are, through the pages, at a 30th distance, without sending a thrill through my body, like an electric shock. आज भी जब स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा रोमांच आता है मानो रोमांच होता है मानो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा और फिर रोमा रुला कहते हैं जो स्वामी विवेकानंद ने वो भाषण दिए थे कोलंबो से लेकर अल्मोड़ा तक क्या वो व्यर्थ गए नहीं रोमा रुला कहते हैं कि बाद में 1902 में 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद ने महासमाधि ली उसके 3 वर्षों के भीतर में बंगाल में बंग भंग आंदोलन हुआ उसमें कई क्रांतिवीरों ने अपने जान की बाजी लगा दी ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध में फांसी पर चढ़ गए और जो फांसी पर चढ़ते थे उनके एक हाथ में भगवत गीता रहती थी दूसरे हाथ में स्वामी विवेकानंद की किताब रहती थी। और इसीलिए उस समय के जमाने में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने सीआईडी डिपार्टमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखा था कि स्वामी विवेकानंद की पुस्तक बहुत डेंजरस है उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए नहीं तो हम क्रांतिकारियों को बंद नहीं कर सके क्योंकि जब भी जाते हैं उनके घर में कभी बॉम्ब मिलते कभी नहीं मिलते 2 बॉम्ब सब जगह मिलते हैं कौन कौन से भगवद गीता की पुस्तक स्वामी विवेकानंद की पुस्तक। अभी रिसर्च हो रही है स्वामी विवेकानंद का क्या प्रभाव पड़ा था स्वाधीनता आंदोलन में उसमें पता लग रहा है कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के रिपोर्ट से पता लगता है कि स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाने की बात इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखी थी इसलिए वो आपस में स्वामी विवेकानंद की किताबों को नहीं लेते आज तुमको तो किताब दिया कोई इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट तुम्हारे पीछे नहीं आई तुम स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ो कोई तुमको बोलेगा नहीं तो स्वामी जी किताब पढ़ो बल्कि नहीं पढ़ोगे तो बोलेगा क्यों नहीं पढ़ी उस समय स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ना मतलब इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट आपके घर आ करके आपको ले जाएगा जेल ले जाएगा इसलिए
बाद में इन्होंने कहा था डॉक्टर राधाकृष्णन ने, हम जब अपने मित्रों को पत्र लिखते थे तब उसमें स्वामी विवेकानंद के पत्रों को उद्धृत कर देते थे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद की किताबों के एक दूसरे को देने से ब्रिटिश गवर्नमेंट की नजर लग जाएगी। तो डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं, हम अपने पत्रों में स्वामी विवेकानंद के पत्रों को उद्धृत करके स्वामी विवेकानंद के जो विचार है उनकी आदान प्रदान करते थे। हमारे देश के जितने महापुरुष, जितने क्रांतिवीर, जितने देशभक्त, जितने स्वाधीनता संग्रामी, उसमें से अधिकांश लोगों के प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद की किताबें, स्वामी विवेकानंद के प्रेरणा स्रोत। एक विद्यार्थी 9th क्लास में पढ़ रहा था कटक की हाईस्कूल में, उसके हाथ में स्वामी विवेकानंद की किताब आई, बस उससे वो इतना प्रभावित हुआ, उसने उसी से निर्णय लिया कि मैं अपना समस्त जीवन भारत माता के लिए बलिदान दे दूंगा। बाद में उसका नाम हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जितने हमारे नेता, महात्मा गांधी जब 30 जनवरी 1921 को बेलूमठ आए थे हमारे मुख्यालय, आपको मालूम है रामकृष्ण मठ मिशन के 265 सेंटर्स हैं, 65 विदेश में हैं और 200 भारत में हैं, जिसमें एक सेंटर जहां हम लोग बैठे हैं ये अद्वैत आश्रम है, यहां 2 सेंटर हैं और दूसरा सेंटर है रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम, यहाँ की हॉस्पिटल हमारी है, इंडोर हॉस्पिटल है। ऐसे टोटल 265 सेंटर में से 200 सेंटर भारत में, 65 विदेश में, इन सब का हेडक्वार्टर बेलूमठ में। उसकी भी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी, 1 मई को। इसीलिए हम लोग अभी रामकृष्ण मिशन की 125वीं जयंती भी मना रहे हैं। तो 1 मई 2022 से लेकर 1 मई 2023 तक ये 125वीं जयंती चलेगी। इसीलिए स्वामी विवेकानंद को आजादी के अमृत महोत्सव के साथ हमने जोड़ दिया है, क्योंकि आजादी में स्वामी विवेकानंद का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो गांधी जी जब बेलूमठ गए तो सबने कहा गांधी जी भाषण दीजिए। गांधी ने कहा मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया, मैं तो महामानव स्वामी विवेकानंद के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि देना आया हूँ, क्योंकि आज स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि है। पर यहाँ पर जितने युवक लोग हैं उनको मैं एक ही बात कहूंगा, जब इस महान स्थल पर आए हो तो खाली हाथ वापस मत लौटना, यहाँ की कुछ प्रेरणा अपने हृदय में लेकर के जाना। और फिर गांधी जी ने कहा स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ना। मैंने स्वयं स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ा है, भलीभांति पढ़ा है, और स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ने के बाद मेरे में जो देशभक्ति थी वो 1000 गुना बढ़ गई। कौन कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कि मेरी देशभक्ति स्वामी जी की किताब पढ़ने से, विवेकानंद की किताब पढ़ने से 1000 गुना बढ़ गई। तो हमारे देश के जितने क्रांतिवीर, इन सब के प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद का शब्द था कि भारत स्वाधीन होगा। 1897 में उन्होंने यह कहा था 50 वर्षों के भीतर भारत स्वाधीन होगा, परंतु असामान्य घटनाओं के परिणाम से, बिना युद्ध के। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि बिना युद्ध के कोई देश स्वाधीन हो सकता है। गांधी जी 1915 में आए थे, पर स्वामी जी ने कब कहा 1897 में, 1897 में कहा 50 वर्षों के भीतर भारत स्वाधीन होगा। ठीक 50 वर्षों बाद 1947 में भारत स्वाधीन हो गया। स्वामी विवेकानंद ने जो जो भविष्यवाणी की थी सब हुआ, वे भविष्यवेता नहीं थे, युद्धिष्ठा थे। और उन्होंने दूसरी बात भी कही थी, 1893 की बात है, प्रोफेसर राइट के अध्यक्ष थे प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट, जिन्होंने शिकागो धर्म सभा के लिए उनको रिकमेंड किया था, उनको रिकमेंड लेटर दिया था। उनकी वाइफ ने डायरी में लिखा कि स्वामी विवेकानंद ने बातचीत के प्रसंग में कहा कि जब ब्रिटिशर लोग चले जाएंगे भारत से, ऐसी संभावना है कि चीन भारत पर आक्रमण करे। आप सोचिए, उस समय देश स्वाधीन नहीं था, ब्रिटिश चले जाएंगे ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, पर सचमुच में ऐसा हुआ। ब्रिटिशर चले गए, 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। एक बात और जो कही थी स्वामी विवेकानंद की,
वो अभी सच होना बाकी है। वो क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने मद्रास कहते भाषा में कहा था, इंडिया शेल कॉन्कर द होल वर्ल्ड बाय स्पिरिचुअल कल्चर, भारत समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करेगा अपनी आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा। अभी होना बाकी है, धीरे धीरे हो रहा है। देखो 21 जून को प्रति वर्ष हम लोग इंटरनेशनल योगा डे बनाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी ने 25 सितंबर को जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रस्ताव रखा, तो ये प्रस्ताव 4 महीने में पास हो गया। 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशन असेंबली ने उस प्रस्ताव को पास कर दिया। कैसे पास किया? मेजॉरिटी से नहीं, यूनैनिमसली। 198 सेंटर में से 178 सेंटर उपस्थित थे, सभी सेंटर ने कहा हां 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे होना चाहिए। एक भी अपोजिशन नहीं हुआ। ये है भारत की ताकत। तो स्वामी विवेकानंद का तीसरा सपना भी धीरे धीरे पूरा हो रहा है। वो क्या है? इंडिया शेल कॉन्कर द होल वर्ल्ड, जो बात अभी कही गई, भारत विश्वगुरु बनेगा। तो भारत ऐसे विश्वगुरु नहीं बनेगा, उसके लिए हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। तो भारत विश्वगुरु कैसे बनेगा? स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? उन्होंने जब विदेश से वापस लौटे तो ये मंत्र दिया था, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, arise awake and stop not till the goal is it। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। सारा देश जाग गया, सैकड़ों वर्षों की गुलामी से सो रहा भारत भी जाग गया। और हमारे देश के उस समय के जो युवक लोग थे, उन्होंने स्वामी विवेकानंद का प्रथम सप्ताह पूरा किया। क्या? देश की आजादी। उन्होंने अपना जीवन बलिदान दे दिया, देश की आजादी भी मिल गई। पर स्वामी विवेकानंद का केवल राजनीतिक स्वाधीनता चाहते थे? नहीं, वो क्या चाहते थे? भारत समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करेगा अपनी आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा, भारत समस्त विश्व का गुरु बनेगा। अभी तो हम डेवलपिंग कंट्री है, अभी तो डेवलप कंट्री भी नहीं हुए, विकसित भारत नहीं हुए। तो जो विकसित जो राष्ट्र है वो क्या बोलेंगे? तुम हमको अपने हमारे गुरु बनना चाहते हो? अरे तुम तो अपना का डेवलपमेंट पहले करो, फिर हमारा गुरु बनना। तो हमारा मुंह छोटा हो गया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? विश्वगुरु बनना है तो पहले हमको डेवलप कंट्री बनाना पड़ेगा, भारत को पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति का रुको मत। ठीक है, याद है सबको? तो बोलो सब लोग, बोलो उठो जागो। थोड़ा थोड़ा जाग रहे हैं, बोलो देखो सोया था जाग रहा है। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। हम लोगों ने क्या किया? उठे जगे, स्वाधीनता प्राप्त की। सच बात है कि बताओ, मैं सारे देश में जाता हूँ, सभी युवाओं से बात करता हूँ, कभी कोई भी युवक से पूछता हूँ, अच्छा भैया तेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा, बहुत बड़ा लिस्ट दे देता है। फिर बस एक तो अपना कैरियर डेवलप करूंगा, फिर अरे फिर कैरियर डेवलप करता बहुत पैसा मिलेगा, फिर अरे पैसा मिलेगा तो मजा ही मजा है, मजा ही। अच्छा भैया देश का क्या होगा? अरे देश जाए भाड़ में, मैं तो अपना कैरियर डेवलप करूं। अच्छा समाज का क्या? अरे समाज जाए भाड़ में, मैं तो अपना कैरियर डेवलप करूं। फिर मैं बोलता, अच्छा भैया सुनो, तुम्हारा समाज भाड़ में जाएगा और तुम्हारा देश भाड़ में जाएगा, तुम कहां जाओगे? भाड़ में जाओगे, इतना तो कॉमन सेंस सोचो कि मेरा देश भाड़ में जाएगा, मेरा देश का पतन होगा तो मेरा भी पतन होगा। यदि हमारा देश पतन हो जाता है, हम लोग और भी गरीब बन जाते हैं, अभी इकोनॉमिकली सुपर पावर फोर्थ हो गए, उसके बदले फिर से गरीब जैसे थे हो जाते हैं, तो हमारा डेवलपमेंट होगा? कोई बुलाएगा तुमको अमेरिका में? एक गुलाम देश का आदमी आ रहा है, कोई नहीं बुलाएगा। इसलिए अभी फिर से क्या करना है? स्वामी विवेकानंद का सप्त सिद्ध करना है, विश्वगुरु बनना है, आगे बढ़ना है। तो स्वामी जी ने क्या कहा था? उठो जागो
लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। हमने क्या किया, उठे जाके स्वाधीनता प्राप्ति और सो गए। अभी फिर से क्या करना है, उठना है, जागना है। स्वामी विवेकानंद का ध्येय क्या था, जब तक सारे विश्व का धर्म विश्वगुरु नहीं बन जाता भारत, जब तक सारे विश्व में, और स्वामी जी ने क्या कहा था, इंडिया शुड बिकम सो ग्रेट दैट इट्स पास ग्लोरी विल फेड इनटू इनसिग्निफिकेंस। भारत इतना महान बनेगा कि इस प्राचीन में एकदम म्लान हो जाएगी। इतना महान था, जैसे मुझे विश्वात्मा जी महाराज ने कहा, सोने की चिड़िया कहा जाता था, ऐसा आर्थिक क्षेत्र में था, लोग सोना ढूंढने के लिए कितने लोग यहाँ पर आते थे, सोने की चिड़िया। आर्थिक क्षेत्र में ही महान था, स्कल्पचर में, आर्किटेक्चर में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, सर्जरी में, कहानी लेखन में, स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता तो छोड़ ही दो, संस्कृति में, संगीत में, कोई भी एक क्षेत्र ऐसा बोलो, गणित में, एल्जेब्रा में, कैलकुलस में, कोई भी एक क्षेत्र बोलो, साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कोई भी एक क्षेत्र बोलो जिसमें भारत एक नंबर पर नहीं था। और स्वामी जी क्या बोलते हैं, भारत इतना महान बनेगा कि उसकी प्राचीन महिमा म्लान हो जाएगी। अभी ये होना बाकी है तो ये कौन करेगा? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, माय फेथ इज इन द यंगर जनरेशन, इट इज दे हु विल वर्क आउट माय प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। मेरी आशा, मेरा विश्वास युवा पीढ़ी में है। और यहां कितने हैं युवा लोग, हाथ ऊंचा करो, युवा है, बूढ़े जो है वो नहीं हाथ ऊंचा। ये देखिए आधा बूढ़ा है, आधा हुआ आधे बूढ़े आधा आता हूँ, जो मेरे जन्म दादा भी नहीं है, एकदम बालक सा भी उम्मीद आ रही है। अच्छा चलो, थोड़ा थोड़ा भी जवान बन रहे। तो ये है बात कि हमको स्वामी विवेकानंद की बात को याद कर करके उनके स्वप्न को पूरा करना है, उसके लिए हमको कटिबद्ध होना है, उसके लिए क्या करना चाहिए। मुझे बात याद आती है, 16 अप्रैल 2003 को मैं राष्ट्रपति भवन में था, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम उससे प्रेसिडेंट थे, उनके साथ हमारा बहुत सारा संबंध अच्छा है। कई बार वो आए हमारे पोरबंदर सेंटर में, गोड़गा सेंटर में, राजकोट सेंटर में, ऐसे कई जगह हमारे कई सेंटर में गए हैं। तो स्वामी विवेकानंद को बहुत मानते हैं, तो इसलिए मैं वहां पर गया था वो सीडी देने के लिए। तो बहुत बातचीत हुई, हम लोग एक साथ ट्रैवल किए, प्लेन में भी ट्रैवल किए थे, गाड़ी में ट्रैवल किए थे, स्वामी जी बहुत मजा आया था। उस समय सब बातें हुई, फिर मैंने कहा, डॉक्टर कलाम आप 2020 तक में, उनकी किताब है ना इंडिया 2020 विजन ऑफ द न्यू मिलेनियम, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारत को विकसित भारत बनना है 2020 तक, 2020 तो चला गया, 2022 आ गया, वो भी चला जाए। परंतु उन्होंने जो कहा, और ये नहीं कि प्रोग्रेस काफी हुआ है पिछले 20 साल से, कोई उसके उसका कोई उसके पीछे कोई कुछ ना बोल नहीं सकता कि इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ है, वी बिकम इकोनॉमिकल सुपर पावर, उसकी कोई ना नहीं बोल सकता। परंतु जो कि स्वामी विवेकानंद का सपना भी सिद्ध नहीं हुआ, और डॉक्टर कलाम का भी सपना भी सिद्ध नहीं हुआ, इंडिया शुड बिकम ए डेवलप्ड कंट्री, विकसित भारत बनेगा 2020 से, वो भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा, डॉक्टर कलाम आप वर्ल्ड बैंक से कितना भी पैसा ले आइए और 5 ईयर प्लान में दे दीजिए, हमारे देश की गरीबी नहीं जाएगी, गरीब लोग गरीब ही रहेंगे, हाँ जीडीपी शायद बढ़ सकता है। मैंने कब कहा था, 2003 में जीडीपी कितना था, 3.5, बाद में 2009 में जीडीपी कितना हुआ, 9.5, परंतु गरीबी कितनी, 40% गरीब थे उस समय भी, आज भी 35% गरीब है हमारे देश की जनता। तो मैंने उसी समय कहा था, आप जीडीपी तो बढ़ रहे हैं पर हमारे देश के गरीब गरीब रहेंगे। भाई स्वामी जी, भाई क्यों? मैंने कहा, फॉर द सिंपल रीजन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेड इफ यू पुट 1 रुपी इन द 5 ईयर प्लान, ओनली 15 पैसा कम्स टू द ग्रासरूट पावर, द ग्रासरूट लेवल फार्मर, आई एम अफ्रेड फॉर 5 पैसा कमिंग ऑन मार्क। पहले एक प्रधानमंत्री ने कहा था, 1 रुपया तुम 5 ईयर प्लान में डालो तो नीचे 15 पैसा मिलता है, मुझे लगता है 5 पैसा भी नहीं मिलता, और जब तक मिलता है तब तक वो किसान आत्महत्या कर देता है। रैंपेंट करप्शन इन द कंट्री टुडे, मैं 2003 की बात बोलूं, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि इसमें आपका कोई
कितना भी आप डेवलप करेंगे सब जाएगा ऊपर भी, नीचे तक आते ही नहीं पैसों। व्हाट इज द सॉल्यूशन स्वामी जी, व्हाट इज द सॉल्यूशन? हमको समाधान तो बताइए। मैंने कहा ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, व्हाट वी शुड डन ऑन 1947 15 अगस्त, वी शुड इट नाउ। व्हाट इज दैट? स्वामी विवेकानंद ने कहा था एजुकेशन 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 अलोन इज द पैरिशिया ऑफ ऑल आवर इविल्स। हमारे सभी जितने हमारे जितनी समस्याएं उसका समाधान है शिक्षा। परंतु किस प्रकार की शिक्षा? जिस प्रकार की शिक्षा हमारे स्कूल कॉलेज में आज दी जा रही है, ऐसी शिक्षा नहीं नहीं। कैसी शिक्षा चाहते थे स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद कहते थे व्हाट वी वांट इज मैन मेकिंग एजुकेशन, कैरेक्टर मेकिंग एजुकेशन, मनुष्य निर्माण वाली शिक्षा चाहिए, चरित्र निर्माण वाली शिक्षा चाहिए। और हम लोग क्या बना रहे हैं? राक्षस निर्माण का शिक्षा। राक्षस देखा है? राक्षस वो ये राक्षस भी दो सिंह वाले राक्षस जो टीवी में देखते हो, ये मॉडर्न राक्षस जो सफारी शूट में आते हैं, मॉडर्न राक्षस की बनारसी साड़ी का आते हैं। ये मॉडर्न राक्षस राक्षसी है कौन? भरतेर नाम के हमारे बहुत बड़े विद्वान हो गए भारत में, उन्होंने कहा था चार प्रकार के मनुष्य इस पृथ्वी में है समाज में। कौन कौन से चार प्रकार के? एते सत्पुरुषाः परार्थ घटकाः स्वार्थान् परित्यज्य सामान्यस्तु परार्थम् उद्यमकृतः स्वार्थ विरोधिनः तेभि मानव राक्षसाः परहितं स्वार्थाय निन्दन्ति ये निन्दन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहि। चार प्रकार के मनुष्य कौन कौन से? सबसे पहला उन्होंने बोला सत्पुरुष। कैसे होते हैं? दूसरों की सेवा करते हैं, अपना नुकसान करके दूसरों की सेवा करते हैं। दूसरे सामान्य मनुष्य, ये क्या होता है? पहले खुद का स्वार्थ देखते हैं, फिर दूसरों का सेवा करते हैं। तीसरा मानव राक्षसा, अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरों का कितना भी नुकसान करने को तैयार हो जाए, उसका नाम मानव राक्षसा। कहां देखने को मिलते हैं? तुम्हारे पड़ोस की यानी घर के पास। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्या करता है? टेबल के नीचे से, ऊपर से नहीं, टेबल के नीचे से 1 करोड़ रुपया देता है। और क्या बोलता है बिल्डर को? तुझे जितनी सीमेंट में रेती मिलाना हो मिला ले, और मेरे को 1 करोड़ दे दे। अब क्या करता है वो बिल्डर? उसने 1 करोड़ इसको दे दिया, अब उसमें सीमेंट में रेत बहुत कम बनाता है, कम रेती रेत मिलाता है, सीमेंट बहुत कम मिलाता है, अब डैम तैयार हो जाता है। अब मिनिस्टर साहब को बहुत बिजी है, उनका इनॉग्रेशन पे टाइम नहीं मिलता है, डेट नहीं मिलती, तब तक से जोर से वर्षा आई और डेट खत्म, इनॉग्रेशन के पहले खत्म, हजारों बेघरवार हो गए, सैकड़ों लोग मर गए। पर ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्या बोलते? कोई बात नहीं, मेरा तो मकान बन गया, दुनिया जाए भाग, देश जाए भाग, समाज जाए भाग, मेरा तो मकान बन गया। इसको बोलते हैं मानव राक्षसा। ये हर एक क्षेत्र में आपको मिलेंगे, हर एक क्षेत्र में। मैं नाम नहीं दूंगा, तुम लोग मेरे से ज्यादा जानते हो, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, और यू कीप अप मोर लेटेस्ट नॉलेज आपके पास ज्यादा है, लेटेस्ट न्यूज ज्यादा है, गूगल गूगल सब आपके पास है। तो ये मानव राक्षसा, ये तीसरे प्रकार के, और चौथे प्रकार के भी हैं। भक्त ने क्या कहा? चौथे प्रकार के बोले, चौथे प्रकार का नाम नहीं दे सकता, काम दे बता सकता हूं। पहला कौन कहते क्या है? सत्पुरुष। दूसरा सामान्य पुरुष। तीसरा मानव राक्षस। बोले चौथे तो मानव राक्षस में भी बेहतर है, उसका नाम मैं क्या दू, पर काम बता देता हूं। तीसरे प्रकार के ऐसे होते हैं, अपने छोटे से स्वार्थ में दूसरों का नुकसान करने को तत्पर होते हैं। चौथे प्रकार के ऐसे, उनको कोई फायदा नहीं होता है, दूसरों के नुकसान में जिनका आनंद आता है, किसी के घर में आग लगे बहुत मजा, अरे पर तुमको कोई फायदा हुआ? उसके घर में आग लगे बहुत आनंद आ गया, कोई परीक्षा फेल हो गया लड़का बहुत मजा आया, अरे तुमको 1 नंबर ज्यादा लड़ने को वो फेल हो गया मुझे बहुत आनंद आया। ये है कौन से प्रकार के? चौथे प्रकार के, खुद का कोई फायदा नहीं, दूसरे नुकसान भी, जिनको आनंद आता है। और ये चार प्रकार के व्यक्तियों की बात, मनुष्यों की बात भक्त ने कही। अभी मैंने लेटेस्ट रिसर्च किए पांचवा टाइम, अब चौथे का नाम नहीं तो पांचवे कहां जाएगा? शायद भक्त के समय में नहीं थे, अभी आजकल नए आए हैं, इसलिए उन्होंने चार प्रकार की बात की, मैंने लेटेस्ट रिसर्च करके पांचवा प्रकार। पांचवें प्रकार के कैसे होते हैं?
चौथे प्रकार के कोई कोई फायदा नहीं होता और दूसरे को नुकसान में आना मिलता है। इन पांचवें प्रकार के लोगों को दूसरों के नुकसान में इतना नजर आता है, खुद का नुकसान कर लो दूसरों का नुकसान। इसलिए क्या किया, एरोप्लेन में बैठ गए, बैठ करके वाइट टावर से टकराए, 5000 को मार डाला, क्या मजा है। मैं भले मर जाओ, 5000 को मार डाला, बहुत मजा है कि नहीं, है कि नहीं। पांचवें प्रकार फिर ये काम भले फूट जाए, वो कहानी और बता रहे मेरे पास समय नहीं है, एक बात भले फूट जाए पर पड़ोसी के दोनों आप फूट करके कुएं में गिर के मर जाए, बहुत मजा है, बहुत। ये है पांचवें प्रकार के। तो हमारे समाज में अभी पांचवें प्रकार के है कि नहीं, है कि नहीं, हाँ कि ना। चौथे प्रकार के है कि नहीं, और तीसरे प्रकार के मानव राक्षस चारों ओर है। सामान्य मनुष्य कम, सत्पुरुष माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा कहीं भी। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, व्हाट वी वांट इज मैन मेकिंग एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन, मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा चाहिए, चरित्र निर्माण वाली शिक्षा चाहिए। डॉक्टर कलाम ने कहा, स्वामी जी ये मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा करना चाहिए, चलिए हम लोग एक साथ मिलकर काम करते। फिर मैंने कहा, हम लोग पोरबंदर में विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन कल्चर विवेक, इसका प्रारंभ कर रहे हैं। विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन कल्चर, ये मूल्यों को देने के लिए हमारी इच्छा है कि आप उद्घाटन करें। स्वामी जी आई श्योरली कम, और सचमुच ने अपना प्रॉमिस उन्होंने पालन किया। 12 जनवरी 2006 को वे पोरबंदर आए, दूसरी बार आए और विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन कल्चर का उद्घाटन किया, और प्रवचन में कहा किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जमशेदजी टाटा के साथ जब स्टीमर में जा रहे थे एक साथ, किस प्रकार से उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस खोलने की प्रेरणा दी, इन सब की बातें की। बाद में प्रश्नोत्तर लिए, एक लड़का खड़ा हो गया, सर ऑपरेशन दुर्योधन, ऑपरेशन चक्रव्यूह एंड अदर ऑपरेशन हैव रिवील्ड द टिप ऑफ द आइसबर्ग दैट इज रैम्पेंट करप्शन इन द कंट्री टुडे एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाउ डू यू फील अबाउट इट एंड वेयर डू यू थिंक लाइज द सॉल्यूशन। सर हमारे देश में ऑपरेशन दुर्योधन, ऑपरेशन चक्रव्यूह के कारण इतना सारा भ्रष्टाचार हुआ है, तो आप राष्ट्रपति हैं, आपको क्या उसका समाधान आप बोलते हैं उसका। तो राष्ट्रपति जी खड़े हो गए, डॉक्टर कलाम। फिर यू सी द पार्लियामेंट हैज ऑलरेडी टेकन सम एक्शन ऑन दोज एमपीस। और फिर उन्होंने हाथ में स्वामी विवेकानंद की किताब ली, स्वामी विवेकानंद की किताब लेकर के उसमें से एक वाक्य पढ़ के सुनाया जिसमें स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, नो नंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट कैन मेक ए नेशन गुड, कैन मेक ए नेशन ग्रेट। कितने पार्लियामेंट के आप नियम बना दीजिए, कानून बदल दीजिए, उसके द्वारा आप राष्ट्र को अच्छा नहीं बना पाएंगे, उन्नत नहीं बना पाएंगे, महान नहीं बना पाएंगे। वॉट कैन मेक ए नेशन गुड, वॉट कैन मेक ए नेशन ग्रेट। फिर से उन्होंने स्वामी जी का वो पैराग्राफ पढ़ा किताब में से, ओनली ए लार्ज नंबर ऑफ गुड एनलाइटेड सिटीजंस कैन मेक ए नेशन गुड, कैन मेक ए नेशन ग्रेट। जब हमारे देश में अधिक से अधिक संख्या में लोग प्रबुद्ध नागरिक बनेंगे, अच्छे बनेंगे, तो हमारा देश ऊंचा बनेगा, तो हमारा देश महान बनेगा। और फिर डॉक्टर कलाम ने बहुत सुंदर बात की, एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोड्यूस गुड पीपल एंड द गवर्नमेंट विल नॉट प्रोड्यूस गुड पीपल। ये भी कहा, गवर्नमेंट की प्रोड्यूस नहीं कर सकती, हु कैन डू इट, हु कैन डू इट। उन्होंने कहा ओनली 3 persons कैन डू इट, ओनली 3, हु आर द 3, फादर, मदर एंड अ टीचर, नोबडी एल्स कैन डू इट। हमारे देश में प्रबुद्ध नागरिकों का निर्माण कौन कर सकता है, माता पिता और शिक्षक। ये बात डॉक्टर कलाम ने कही, आज हमको याद रखनी है और हमको प्रबुद्ध नागरिक बनना है। यदि हमारे चरित्र का निर्माण नहीं होगा, तो यदि हम कैरियर हमने डेवलप कर लिया, बहुत ऐसा कैरियर डेवलप कर लिया, यू विल बी जायंट, यू विल बी सेल्फिश जायंट। आप देश के लिए आशीर्वाद स्वरूप नहीं बनोगे। बहुत आगे बढ़ गए, हार्वर्ड से आपने पीएचडी कर लिया, हार्वर्ड से पीएचडी कर लिया, गोल्ड मेडल मिल गया, परंतु टेबल के नीचे से करोड़ रुपया लेकर के विदेश चले गए, स्विटरलैंड
स्विट्जरलैंड की बैंक में लग गया, क्या ये देश सेवा है? क्या ये कैरियर डेवलपमेंट आपको महान बनाएगा, देश को महान बनाएगा? तो कहने का मतलब क्या आप कैरियर डेवलपमेंट न करें? जरूर करें, बट कैरियर डेवलपमेंट शुड गो हैंड इन हैंड विद कैरेक्टर डेवलपमेंट। कैरियर डेवलपमेंट अच्छा है, पर साथ साथ में क्या याद रखना है? कैरेक्टर डेवलपमेंट, चरित्र निर्माण यदि नहीं होगा तो जब तक स्वामी विवेकानंद का सिद्धांत याद रखना, जब तक हमारे देश के विद्यार्थियों का, शिक्षकों का, आईएएस ऑफिसर्स का, आईपीएस ऑफिसर्स का, बिजनेसमैन का, मंत्रियों का चरित्र निर्माण नहीं होगा, तब तक देश का पुनर्निर्माण नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सब साइफन हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना में आप आएगा, पर हमने देखा, मैं रांची में 10 साल का रूरल डेवलपमेंट हमने किया, खेतों किसान के पास कुछ पैसा ही नहीं पहुंचता था, सब ऑफिसर लोग ले जाते थे और तालाब बनाते थे, सब जमीन पर कोई भी तालाब नहीं, सब कागज में तालाब बनते थे, ये हमने खुद देखा है। इसलिए ये याद रखना है, एक लड़का था बहुत शैतान था, तुम लोग जितने अच्छी तरह बैठे हो चुपचाप, वो एक मिनट भी चुपचाप नहीं बैठता और बहुत धूमस्ती करता था। उसके पिताजी को बहुत बुरा लगा, बोले ए इतना तुम बच्चे को बुलाया, देख मेरा आज बहुत काम है, मैं तुझे एक काम सौंपता हूँ, ये काम निपटाने के बाद आना, तब तक आना मत, समझ गया? हाँ समझ गया। अब पिताजी ने सोचा क्या काम, तू सारा दिन उसको बिजी रहेगा, मुझे भी काम करने देगा। तब उसने सोचा हाँ इसका ज्योग्राफी बहुत वीक है, भूगोल में पैसे नंबर बहुत कम मिलते हैं, तो उन्होंने भारत का नक्शा लिया, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर डाले और वो लड़के को दे दिया, जा पूरा भारत का नक्शा ठीक करके ले आ जा। तो उनको लगा सारा दिन निकल जाएगा, कहाँ काश्मीर, कहाँ कन्याकुमारी, कहाँ वाराणसी, कहाँ यूपी, कहाँ गुजरात, ये सब करते करते सारा दिन निकल जाएगा, मैं भी अपना काम कर लूंगा। 10 मिनट लड़का हाजिर हो गया, तुझे बोला काम करके आया, काम करके आया, देखा भारत का नक्शा, परफेक्ट नक्शा, पूरा परफेक्ट नक्शा, उत्तर प्रदेश, काश्मीर, कन्याकुमारी, वाराणसी, राजकोट, गुजरात, सब अपनी जगह। ये कैसे किया? बोले पिताजी बात ऐसे ही कि मैं वहां जब करने बैठा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, छोटे छोटे टुकड़े थे, कुछ समझ में नहीं आया, मैं टुकड़ों के साथ खेलने लग गया, खेलते खेलते देखा पीछे में मनुष्य की छवि है, मैंने मनुष्य के हाथ पैर सिर सब जोड़ करके उसको उल्टा किया तो सारा देश अपने आप ठीक हो गया। तो ये याद रखना है, जब हमारे देशवासियों का चरित्र निर्माण होगा तो राष्ट्र का पुनर्निर्माण अपने आप हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कैरियर डेवलपमेंट के साथ कैरेक्टर डेवलपमेंट है, और इसीलिए लाइफ स्किल की बात जो आज का सब्जेक्ट है, लाइफ स्किल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा तो हमारा कैरियर डेवलपमेंट जितना भी होगा न तो हमको सुख मिलेगा, कितने लोगों को सुख चाहिए, सुख हैप्पीनेस सबको चाहिए, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस या शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस? अच्छा, और शांति कैसी चाहिए, लॉन्ग टर्म पीस की शॉर्ट टर्म पीस? और सक्सेस कैसी चाहिए, लॉन्ग टर्म सक्सेस की शॉर्ट टर्म सक्सेस? तो याद रखना सिद्धांत, इफ यू वांट लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म पीस, लॉन्ग टर्म सक्सेस, यू हैव टू वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम, एंड इफ यू वांट शॉर्ट टर्म सक्सेस, यू हैव टू वर्क फॉर ए शॉर्ट टाइम। नाउ यू कैन बी वेदर यू वांट लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और शॉर्ट टर्म सक्सेस और लॉन्ग टर्म, बोलो लॉन्ग टर्म, ओके। तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, इफ यू वांट लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस एंड पीस एंड सक्सेस, ओनली कैरियर डेवलपमेंट विल नॉट बी इनफ। व्हाट यू हैव टू डू अलोंग विद दैट, कैरेक्टर डेवलपमेंट। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंपार्ट लाइफ स्किल। ये जितनी लाइफ स्किल है, आजकल जितनी लाइफ स्किल की बात कही जाती है, ये सब में 3 प्रकार की लाइफ स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस टेक्निक में स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आ गया, सेल्फ असर्टिवनेस आ गया, ये सब आ गया।
फिर इंटरपर्सनल स्किल्स, उसमें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ गई और पब्लिक स्पीकिंग आ गई, उसमें रिलेशनशिप आ गया, तो बहुत सारा। तीसरा है थिंकिंग, गॉड से गोल सेटिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सब है थिंकिंग। ये तीन मिल करके लाइफ स्किल होता है और इन तीनों लाइफ स्किल को देख करके मिल करके हम बोलते हैं सेल्फ डेवलपमेंट। तो सेल्फ डेवलपमेंट की बहुत अच्छी किताब है, पता नहीं तुम लोगों ने देखी होगी कि नहीं, नाम सुना है कि तुमने, द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। कितने कितने सुना है पूछा कर, वाह बहुत अच्छा है, काफी इनलाइटेड लोग। तो सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल स्टीफन कोवे ने जो किताब बनाई उसके अभी तक 40 मिलियन कॉपीज हैव बीन सोल्ड। कितनी? 40 मिलियन, मतलब 4 करोड़ कॉपियां सारे विश्व में, कई लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन हुआ, बहुत पॉपुलर हो गई। तो ये जो है स्टीफन कोवे कहते हैं अपने इंट्रोडक्शन में कि मैंने क्या किया, किताब लिखने के पहले पिछले 200 साल के जितने सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें हैं और उनके ऑथर है सबका मैंने स्टडी किया। मैंने क्या देखा, पिछले 150 साल में जितने लोगों ने किताब लिखी है, पिछले 50 साल में जितने लोगों ने किताब लिखी है और उसके पहले के 150 साल में जितनी किताब, दोनों में बहुत अंतर है। अभी की जितनी किताबें हैं, अभी की सेल्फ डेवलपमेंट की जितनी किताबें, मॉडर्न स्पीकर जो कहते हैं वो मोटिवेशनल, बस मोटिवेशन की बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग की बातें करते हैं, ये सब बातें करते हैं। और पहले के 150 साल सैमुअल स्माइल्स, ओरिजिन स्वेट मॉडर्न, जेम्स एलन, ये सब की किताबें पढ़ो, तो उसमें क्या लिखा है, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कैरेक्टर। उनके टॉपिक का, उनका किताब का नाम ही है कैरेक्टर, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सब उसमें लिखा हुआ है। पर आजकल की मोटिवेशन जो सेल्फ डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा, सबसे आज युवा वर्ग को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है कि मोटिवेशनल स्पीकर के कारण नुकसान हुआ है। वो मोटिवेशन बोलते हैं हाई ड्रीम्स, हाई ड्रीम्स, अरे ये केरे प्रकार पैसा कमाओ, केरे हेल्प करो, डोंट वरी अबाउट नेशन, समाज जाए हाड़ में, बस आगे बढ़ो। ऐसी रॉन्ग थ्योरी वहां पर देते हैं और फिर बाद में जब उनको नहीं मिलता है तो सुसाइड। उनको ये नहीं बताते हैं कि हमको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है, हमारा लक्ष्य भले ऊपर रहे पर हमारा पैर कहाँ रहे, फाउंडेशन स्ट्रांग रहना चाहिए और फिर उसको मेरे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाओ, मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं है, बननी चाहिए, पर फर्स्ट में पहले फर्स्ट फ्लोर बनाओ, फिर सेकेंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, आकाश में मत बनाओ, फाउंडेशन शुड बी स्ट्रांग। ये आजकल के नई सेल्फ डेवलपमेंट किताबें नहीं है। तो स्टीफन कोवे ने यही काम किया, उन्होंने अध्ययन करके देखा कि हमारी वैल्यूज यदि नहीं रहे, लाइफ स्किल जो सच्ची लाइफ स्किल जो हमारी है वो मात्र केवल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब नहीं है, नहीं, तो क्या है, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, कैरेक्टर, ये जब तक नहीं होगा, चरित्र निर्माण जब तक नहीं होगा, हमारा सेल्फ डेवलपमेंट परफेक्ट नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन सुख नहीं आएगा, शांति नहीं आएगी। पैसा आ सकता है, अच्छे अच्छे पैसे वाले, आपको मालूम है जितने लोग सुसाइड करते हैं उसका अधिकांश लोग पैसे वाले ज्यादा होते हैं, गरीब लोग करते हैं सुसाइड पर पैसे वाले ज्यादा करते हैं। तो क्यों, यदि पैसे से सब जीवन में सुख शांति आती तो इतने लोग क्यों सुसाइड करते हैं, इतने लोग क्यों सीजनल फ्रेंडिक बनते हैं, इतने लोग क्यों ड्रग बनते हैं, जो पैसे वाले हो, पैसे वाले को लड़के। कहने का मतलब ये नहीं कि तुमको आगे नहीं बढ़ना है, कहने का मतलब नहीं, यू मस्ट नॉट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मस्ट, हमको डेवलपमेंट बनना है, हमको आर्थिक विकास जरूर करना है, मात्र आर्थिक विकास के द्वारा हमारे जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती। इसके लिए चरित्र निर्माण, लाइफ स्किल, जो लाइफ स्किल इन द मॉडर्न सेंस नहीं, इन द रियल सेंस, चरित्र निर्माण बहुत आवश्यक है, जिसकी बात स्वामी विवेकानंद ने बारंबार कही, व्हाट वी वांट इज मैन मेकिंग एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन। इसलिए आज जो लाइफ स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है तो हमने बोले क्या कहा कि ये तो बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, ये लाइफ स्किल डेवलपमेंट को स्टीफन कोवे ने जो अपनी किताबों में लिखा, ये सब सेल्फ डेवलपमेंट के मॉडल होगा जो लिखा और जो पहले के लोगों ने लिखा, इन सब का एनालिसिस करके हम लोगों ने एक कैप्सूल बनाया
और स्वामी विवेकानंद कंप्लीट वर्क्स 9 मॉड्यूल, उसको नजर में रखते हुए हमने कैप्सूल बनाई, उसका नाम है टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट TPD। ये टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इक्वेशन याद रखो, मैं बोलता हूं इक्वेशन बाद में तुमको रिपीट करना है, IQ प्लस EQ प्लस SQ इज इक्वल टू TPD। IQ मतलब इंटेलिजेंस क्वोशेंट, तो सबको मालूम तुम लोग इंटेलिजेंट को इससे आए हो, तो कौन महंगा ऐसे जबरदस्ती इतना सब मैं करके प्रोफेसर इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उन्होंने किताब लिखी है उसका नाम क्या है, SQ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस द अल्टीमेट इंटेलिजेंस, वेयर शी सेज न्यूरोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली बायोलॉजिकली साइकोलॉजिकली फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज अ कन्फ्लिक्टिंग एविडेंस, देयर इज समथिंग कॉल्ड SQ व्हिच इज द बेसिस ऑफ बोथ IQ एंड EQ। व्हाट इज IQ? IQ विल टेल यू हाउ टू प्ले द गेम ऑफ लाइफ। व्हाट इज EQ? EQ विल टेल यू हाउ टू प्ले द गेम ऑफ लाइफ अंडर चेंज सर्कमस्टेंसेस विद चेंज स्ट्रेटजीज। एंड व्हाट इज SQ? SQ विल टेल यू Why to play the game of life? क्यों हम इस जीवन में आए हैं, क्या हमको करना है ताकि मरते समय हमको गम न रहे कि हमने ये नहीं किया। कवि ने बहुत सुंदर बात कही, जब तू आया जगत में जब हंसे तू रोए, ऐसी कर नहीं कर चलो मरते समय तुम हंसो जग रोए। ये है जीवन का लक्ष्य, दैट इज दिस। हम पृथ्वी पर क्यों आए हैं और मरते समय हमारे साथ क्या जाएगा। एलेक्जेंडर ग्रेट ने कहा सेनापति को, जब मैं मर जाऊं तो कब्र में से मेरे दो हाथ बाहर रखना। बोले जरूर हम कहेंगे, पर भाई हम क्यों आप ऐसा चाहते हैं। बोले मैं सारे विश्व को संदेश देना चाहता हूं कि सिकंदर महान ने सारे विश्व पर विजय प्राप्त की, इतने हाथी इतने घोड़े इतनी सुना होने इतना राज्य इतने सब राज्य ले लिए, इनमें से कुछ भी मेरे साथ नहीं जा रहा है, मैं खाली हाथ वापस जा रहा हूँ, रोते रोते जा रहा हूँ। और उस संत को, उस संत की बात कहानी भी मैंने कहा टाइम दिए, वो संत मरते समय हंस रहा था और मैं रोते रोते जा रहा हूँ, सारे विश्व को संदेश पहले बता दो कि आखिरी में खाली हाथ वापस लौटना है। इसका मतलब नहीं है कि हम खेल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है गोल्ड मेडल के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, पर वो कुछ साथ में नहीं जाना, गोल्ड मेडल का सर्टिफिकेट यही रहेगा, सब सर्टिफिकेट यही रहेंगे, सब कुछ रहेगा, अंत में जो जाएगा वो है हमारे कर्म। हमको उसके लिए प्रयत्न करना है, हमको टोटल पर्सनल डेवलपमेंट करना है। तो टोटल पर्सनल डेवलपमेंट तीनों IQ EQ SQ, जो SQ है वो कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए चार उपाय स्वामी विवेकानंद ने बताए। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट this divinity within by controlling nature external and internal through this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these and be free. This is the whole of religion. Doctrines, dogmas, rituals, temples, churches, mosques are but secondary details. प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्यता सुलुप्त रूप से विराजमान है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य उस अंतर में दिव्यता को अभिव्यक्त करना, कैसे बाह्य मंदता प्रकृति को वशीभूत करके, ये कैसे हो सकता है। चार उपाय है राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इन चारों के द्वारा हमारे भीतर की दिव्यता जागृत होगी और हमारा हम लोग आत्मविश्वास, तुम्हारा जो प्रथम सेशन में सुन रहा था, ज्यादा करके जो क्वेश्चन थे एक ही प्रॉब्लम था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। स्वामी विवेकानंद ने बताया था, हाथी चले बाजार में उल्टा भोंके हजार, साधुओं को दुर्भाव नहीं निंदे जाए संसार, पर उनको मत बोलना वे तुम कुत्ते हो, अपने मन में बोलना कि ये कुत्ते भोंकते रहते हैं, आगे तुम मस्ती में जा रहा है, हमको क्या कमी, जब जानते हैं हम सच्चे रास्ते पर हैं, हमको उससे कुछ करना। ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कैसे आएगा, जब तुमको पता लगेगा तुम्हारे प्रत्येक के भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति विराजमान है, अनंत शक्ति विराजमान है।
स्वामी विवेकानंद शिकागो जनसभा में उनके भी यही हालत था, वो अपने आप को दुखी समझ रहे थे, पापी समझ रहे थे, दुर्बल समझ रहे थे। तब स्वामी विवेकानंद ने वहां पर उनको संदेश सुनाया, वेदांत का अमृत पिलाया, श्वेता श्वेत उपनिषद का श्लोक पढ़ा सुना के बताया, शुणवंतु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेकं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा किमृतमेति नान्यमन्ता विदितया नाय। हे अमृत के संतान सुनो, मैंने उस परम पुरुष को जान लिया है जिनको जाने सभी दुखों से निवृत्ति होती है। और फिर स्वामी विवेकानंद ने कहा, हे अमृतवासी भाइयों बहनों, मैं भी आपको इसी नाम से संबोधन करता हूँ, अमृतस्य पुत्रा, ये चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस, होली एंड परफेक्ट बीइंग्स, ये डिवीन इटीज ऑन अर्थ, सीनर्स, इट इज अ सिन टू कॉल इट मैन सो, it is a standing level of human nature, come up alliance and shake up the delusion that you are sheep, your soul is immortal, spirit free, blessed and eternal, ye are not matter, ye are not bodies, matter is a servant, not ye the servant of matter, o shero, is bitha varko chana kat pheto, ki tum sphere ho, tum bhyadni ho, tum sher ho, tum ajar amar atma ho, tumhare pratyek ke bhitar mein atma ki anant shakti virajman hai, यही बात स्वामी विवेकानंद बताई। और फिर वो कहानी सुनाते थे, उस कहानी के द्वारा मैं समाप्त करूंगा। बहुत ही सुंदर कहानी, एक ही कहानी याद रखना है, जब भी मन में टेंशन आए ये कहानी याद रखो, जब भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आए ये कहानी याद रखो, जब भी कोई प्रॉब्लम आए कहानी याद रखो, एक ही कहानी, उससे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। रामबाण दवा, सब दुखों की रामबाण दवा, सब निर्बलताओं की रामबाण दवा, सब टेंशन की रामबाण दवा, एक बस ये याद रखना है, ये कहानी छोटी सी कहानी स्वामी विवेकानंद जो अमेरिका में बताई थी वही मैं आपको बता। एक शेरनी थी, जा रही थी जंगल से, उसी समय जंगल में से भेड़ों का झुंड जा रहा, तो भेड़ों के झुंड को पार करने के लिए शेरनी ने छलांग लगाई। तो शेरनी उस समय गर्भवती थी, उसके पेट में जो गर्भ में जो बच्चा था छोटा शेर, वो भेड़ों के झुंड में गिर गया, और शेरनी तो उस पार गई और फिर कड़बड़ाने लगी, थोड़ी देर में मर गई। जब शेरनी मर गई तो जो छोटा बच्चा था वो रोने लगे, क्यों, उसकी माँ मर गई। तो भेड़ों की माँ पर दया आ गई, अब उसने ये शेरनी के बच्चे का लालन पालन शुरू किया। अभी शेरनी का बच्चा भेड़ों के साथ जाता है, भेड़ों के साथ खेलता है, भेड़ क्या खाती है, तो ये भी घास खाने लग गया, और भेड़ क्या बोलती है, ब्याह ब्याह, ये भी ब्याह ब्याह करने लग गया। अब धीरे 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 बड़ा हो गया और क्या करता है, भेड़ों के साथ जाता है, भेड़ों के साथ खेलता है, भेड़ों के समान घास खाता है, भेड़ों के समान ब्याह ब्याह। बहुत समय बाद एक बड़ा शेर है वहां, देखा दूर रास्ते पर से कितनी सारी भेड़ जा रही, ब्याह 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 करते, आखिरी में एक छोटा शेर जा रहा है, वो भी ब्याह ब्याह कर रहा है। उसने कभी किसी शेर को ब्याह ब्याह करते देखा ही नहीं था, तो बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे शेर होकर ब्याह ब्याह कर रहा है, तो नदी का है माजरा क्या देख रही, अरे इतना शेर को देखा बड़े शेर को, भेड़े सब भागने लग गई, छोटा शेर वो भी भागने लग गया, बड़े शेर पकड़ा, एक तू कहां जा रहा है, तो मेरे समान शेर के समान है, अरे ये भेड़े है मुझसे डरती क्यों, मैं शेर हूं, तू तो शेर है मेरे समान, तू मुझसे क्यों डरता है। छोटा शेर रोने लग गया, मैं तो भेड़ हूं, भेड़ शेर नहीं हूं। बड़े शेर ने कहा, बेवकूफ कहेगा, शेर होगा कि अपने आप को भेड़ बोलता है, तू शेर है शेर है। वो छोटा शेर और डरने लगा, और डर गया और रोने लग गया, बड़े शेर ने इतना समझाया, रो रहा है। अब उस बड़े शेर को बड़ा गुस्सा है, कोई बात नहीं समझ नहीं रहा, पकड़ा उसे गले से, पकड़ा घसीट करके लाया, देख ये तालाब पे देख, तेरी परछाई देख, तेरी परछाई देख, तेरा चेहरा मेरे समान है, शेर के समान, भेड़ के समान। छोटे शेर ने, मेरा चेहरा तो शेर के समान है, भेड़ नहीं है, अब तू समझ गया, तू शेर है भेड़ नहीं है, अब क्या करना पड़ता, मेरे समान गद्दा कर, चल अब तू जंगल का राजा बन गया, हाँ जंगल का राजा बन। स्वामी विवेकानंद की कहानी सुना के बताते, देखो छोटा शेर पहले से शेर था ना, नया बना, पहले से था ना, तो क्यों ब्याह करता था, भूल गया था कि मैं शेर। उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्य आत्मा है,
क्या है? दिव्य आत्मा। किसके भीतर में? प्रत्येक मनुष्य के भीतर में। पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, वृद्ध हो, गरीब हो, पैसे वाला हो, उच्च वर्ण का हो, निम्न वर्ण हो, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्य आत्मा है। उस दिव्य आत्मा में अनंत शक्ति है। कितनी शक्ति है? कितनी शक्ति है? ये अनंत शक्ति किसमें है? दिव्य आत्मा में। दिव्य आत्मा किसमें है? प्रत्येक मनुष्य में, जितने मनुष्य आ चुका है। शेरों की भेड़, जितने सारे शेर, इतनी सारी शेरनियां। वाह, इतनी सारी शेरनियां। घर जाके बोलना मत, मैं शेरनी मम्मी तुझे खाऊंगी। मम्मी को खाने के लिए शेरनी नहीं बताए, मम्मी की सेवा करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए शेर शेरनी बताए। पर मुख्य बात है, कम अप अलायंस एंड शेक ऑफ द डिल्यूशन दैट यू आर शीप, योर सोल इज इमॉर्टल, स्पिरिट फ्री, लेस देन ईच अदर। ये नॉट मैटर, ये नॉट बॉडीज, मैटर इज सर्वेंट, नॉट ये द सर्वेंट ऑफ मैटर। ओ शेरो, इस मिथ्या भ्रम को जटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो, तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, अजरमर आत्मा हो। तुम्हारे भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति विराजमान है। कभी ये मत कहना कि मैं दुर्बल हूँ, निर्बल हूँ, मेरे से ये नहीं हो सकता, मैं कैसे दूसरों की क्रिटिसिज्म सुनूं, दूसरे को निंदा करते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। कभी ऐसा मत करना, क्योंकि हमारे भीतर में कितनी शक्ति है? आत्मा की अनंत शक्ति विराजमान है। उसको याद करना है, अनंत शक्ति है पर अभी सोई हुई है, उसको जगाना है। जगाने के चार उपाय बताए हैं, कौन कौन से चार उपाय? राजयोग, ध्यान, भक्ति योग, प्रार्थना, ज्ञान योग, चिंतन। ये जो आज किताबें हैं, आज से पढ़ना शुरू करो। आज से पढ़ोगे ना? कल से। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़े होगी वही करे वो कब। ये तुलसीदास की बात। और अपोजिट पार्टी क्या बोलते हैं मालूम? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसो। इतनी क्या है प्यारे, जब जीना है बरसो। तो तुम लोग कौन सी पार्टी में? तुलसीदास। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, आज से शुरू कर दो। सबके पास मोबाइल है ना? मोबाइल रोज बैटरी चार्ज करते हो कि नहीं करते हो? करते हो? मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं करते क्या होगा? कुछ नहीं होगा। व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं जाएगा, इंटरनेट चीटिंग चैटिंग कुछ नहीं होगा। आजकल दोनों साथ में होता है, चीटिंग भी नहीं होगा, चैटिंग भी नहीं होगा, फेसबुक भी नहीं होगा, सब खत्म। तो बैटरी को चार्ज करना है, वो तो तुम करते हो मुझे मालूम। दूसरी बात है ये मेंटल बैटरी, इसको भी चार्ज करना है। आज तो बहुत चार्ज हो गए, हो गए कि नहीं बताओ? बैटरी चार्ज हो गए, परंतु बाद में कुछ दिनों के बाद फिर जैसे थे। ऐसा ना हो उसके लिए क्या किया है विश्वामित्र जी महाराज ने? तो उन लोगों को मालूम है उनकी बैटरी, तुम्हारी मेंटल बैटरी धीरे धीरे डाउन होगी, इसलिए उसको रिचार्ज करने के लिए बहुत सारी किताबें दी है। और बाकी यहाँ बुक स्टॉल है, और भी बहुत किताबें मिल जाएगी। पहले इतने से शुरू करो। रोज रात को क्या करना है? अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए प्लग है उसको सॉकेट में डाल देना, ठीक है? और हाथ में स्वामी विवेकानंद की किताब ले लेना। जब तक मैं वो मोबाइल बैटरी चार्ज होगी, तुम्हारी मेंटल बैटरी चार्ज हो जाएगी। बस आज से शुरू मेंटल बैटरी चार्ज करना। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद की किताबों से आपको ये लाइफ सब लाइफ मिल जाए। एक भी लाइफ मिले चाहिए जिसकी बात स्वामी विवेकानंद की किताब नहीं है। आत्मविश्वास, आत्मश्रद्धा, आत्मनिर्भरता, आत्म संयम, आत्म ज्ञान, आत्म त्याग, ये पंचम की बात स्वामी विवेकानंद आपको मिलेगी। और संपूर्ण सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास की बात करेगी, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सब विकास की बातें स्वामी विवेकानंद के ग्रंथों में है। इन ग्रंथों को पढ़ो। ये मेरा खास मैं अनुरोध करूंगा, सभी जितने युवा भाई बहन है, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया यहाँ पर आए, यहाँ बैटरी अपनी चार्ज की। और मेरा यह अनुरोध है, ये मेंटल बैटरी को रोज चार्ज करते रहना, रिचार्ज करते रहना।
ये पुस्तकों को पढ़ते रहना और भी किताबें पढ़ना, और यहाँ पूज्य महाराज जी यहाँ पर उपलब्ध है। हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं तो राजकोट से आया हूँ, चला जाऊँगा परसों राजकोट वापस चला जाऊँ, परंतु पूज्य विश्वासवंत जी बात यही रहते हैं, उनको मिलना और उनके साथ बातचीत करना, तो सब लोगों को मिलकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तुम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनसे पूछ ले। पहले प्रश्न देखो, हाउ टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। अरे अभी तो बताया, प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब आज करे सो काल करे सो परसों, इसका नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन, है ना। उसका उत्तर क्या है, काल करे सो आज करे सो, बस इसको फॉर्मूला का याद रखो, दूसरे दिन तुम्हारा सब प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा, इतना बढ़िया प्रश्न किया है किसी ने। स्टूडेंट्स अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद कोई जॉब ढूंढते हैं, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस न होने से उन्हें कई बार निराश होना पड़ता है, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल तुम्हारी बात बिल्कुल है। रोग का जो दर्द है ना, वो तुमको मिल गया, कहां पर पक्का प्रॉब्लम कहां है तुमको मिल गया। देखो हमारे दो तीस प्रकार के लोग हैं, तीन प्रकार के, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड और तीसरा है अनएम्प्लॉयबल। उनको रख ही नहीं सकते, केवल उसके पास सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, पर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ये बिल्कुल सच कहा, इसके कारण उसको नौकरी नहीं मिलती। अच्छा तुम मुझे बताओ, आज के युवकों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, मानते हो ना? युवकों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट है ना। अभी मैं तुमको बताता हूं, मैं तो कई कंपनियों में जाता हूं लेक्चर देने, वहां के सीईओ से मिलता हूं, मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलता हूं, टॉप मोस्ट लोगों से मिलता हूं, उनके साथ मीटिंग जब होती है, मालूम है उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम फाइनेंस नहीं है, उनके सबसे बड़ा प्रॉब्लम मटेरियल्स नहीं है, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ह्यूमन रिसोर्स, उनको मनुष्य मिलते नहीं है। मतलब क्या बात कर लो, इतने सारे यूथ, हमारे लाखों करोड़ों युवा अनएम्प्लॉयड पड़े हैं देश में, और आप बोलते हैं हमको मनुष्य मिलता, हमको जैसे चाहिए वैसा नहीं मिलता है। अनएम्प्लॉयड तो बहुत है, हमारे एप्लीकेशन हजारों में आती है, पर हमको जैसा चाहिए ऐसा आदमी मिलता नहीं है। तो आपको कैसा आदमी चाहिए? बोलते हमको ऐसा आदमी चाहिए जो ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, कंपनी के साथ छल कपट न करे, जिसके ऊपर हम भरोसा कर सके, उसकी इंटीग्रिटी हो, ऑनेस्टी हो, ट्रूथफुलनेस हो, चरित्रवान हो, ऐसा हमको लड़का चाहिए, मिलता ही नहीं है। अब समझ गए स्वामी जी ने क्यों कहा था, व्हाट वी वांट इज मैन मेकिंग एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन। डिग्री है तुम्हारे पास, है क्या डिग्री? है एक्सपीरियंस नहीं है। अरे मान लो तुमने फील्ड एक्सपीरियंस भी ले लिया, पर कैरेक्टर, कैरेक्टर को किसी ने वैल्यू एजुकेशन दिया ही नहीं अभी तक। हम लोग वैल्यू एजुकेशन पर हम लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं रामकृष्ण मिशन में, क्यों? क्योंकि स्कूल कॉलेजों में अभी वैल्यू एजुकेशन आया नहीं, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वैल्यू एजुकेशन बहुत बात हुई है, यदि इंप्लीमेंट कर लेंगे तो हमारे युवकों की सब समस्या समाधान हो जाएगी। नौकरी नहीं है की बात नहीं है, अपॉर्चुनिटी देयर, उनकी सबसे बड़ी समस्या हमको जैसा चाहिए आदमी मिलता नहीं है, ऑनेस्ट आदमी चाहिए, कैरेक्टर वाला चाहिए, चरित्रवान चाहिए, ये उनको मिलता नहीं, एक्सपीरियंस वाला चाहिए, ये उनको मिलता नहीं। इसलिए आज से तुम लोग कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए लग जाओ, कैरेक्टर डेवलपमेंट शुड गो हैंड इन हैंड, अदरवाइज यू विल नॉट गेट जॉब, यू विल नॉट गेट सक्सेस, यू विल नॉट गेट शॉर्ट टर्म सक्सेस। लॉन्ग टर्म सक्सेस की बात अलग रही, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की बात अलग रही। Yes, Suti Gupta. How can we achieve our skills effectively without any negativity, with open mind to growth of development of our country and ourselves? The only thing, remember, you are a lioness. You are not sheep. तुम
हेयर नहीं हो, ये बात को याद रख करके कॉन्फिडेंस में रखो, आत्मविश्वास बनो और आगे बढ़ो। और वो जो प्रोक्रेस्टिनेशन की बात की उसको याद रखना है, उठो जाओ बड़े अक्षर में लिख के रखो अपने कमरे में, उठो जाओ और काम में लग जाओ। और बात करें स्वास्थ्य पर, विश्व गुरु बनने की राह में एक सबसे बड़ी अड़चन है देश में भ्रष्टता, अनैतिकता, उसे कैसे सुलझाए। देखो तुम लोग भी मेरी समान ही बोल रहे हो, मैं तो अभी तक यही बोल रहा था, मैंने डॉक्टर कलाम को यही कहा कि आप कितना भी विकास कर लोगे जब तक चरित्र निर्माण नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए स्वामी विवेकानंद की चरित्र निर्माण वाली बात आज बहुत ज्यादा सुसंगत है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा रेलिवेंट है और इसको हमको करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा था वो छोटे बच्चे ने क्या किया, पहले मनुष्य को ठीक किया, देश अपने आप ठीक हो गया। उसी प्रकार से हम अपने आप को ठीक करेंगे, हम अपना शरीर ठीक करेंगे, चैरिटी बिगिन सेट होम, है ना। गांधी ने क्या कहा था कि हम जो दूसरों को बनाना चाहते पहले हम खुद बने। और स्वामी विवेकानंद क्या सिद्धांत दिया था, बी एंड मेक, पहले खुद महान बनो फिर दूसरों को महान बनो, पहले खुद का चरित्र निर्माण करो फिर दूसरों के चरित्र निर्माण के लिए ये कर दो। तो तुम्हारी बात सच है, विश्व गुरु देरी बनेगा, कब बनेगा, जब हम लोग चरित्रवान बने। भगवत गीता के जीवन को साध के अपने जीवन में कैसे उतारे, बहुत अच्छा पूछ रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक श्लोक है, बोले इस श्लोक को याद रखो, भगवत गीता का सार श्लोक में दिया है। कौन सा श्लोक है, जब अर्जुन बोलता है मैंने युद्ध नहीं करूंगा, चुपचाप बैठ जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, द्वितीय अध्याय का पहला श्लोक, कुतस्वा पशुमल मिदम विश्वे समुपस्थितम अनार्यम अजुष्टम अस्वर्यम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लेशम मास पद्म पार्थ नहीं बदलो रूपबद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तो किष्ट पड़त हो खड़े हो जाओ हृदय की दृष्टि तोड़ने को भेद भाग फेंक दे कापुरुष मत बन कायम मत बन। श्री कृष्ण भगवान शौक तिलक का यूज कर अर्जुन तिल मिला जाता है और कृष्ण भगवान चाहते थे उसको तिल मिला, ये शौक तिलक ऐसा शब्द व्यवहार करते हैं क्या प्लेटियम कापुरुष मत बन नामर मत बन कायम मत बन क्या कायम से तुम्हारी बात करता मैं युद्ध नहीं करूंगा युद्ध नहीं करूंगा है? वो खड़े हो जा हृदय के चूचू दुर्बलता को दूर करके आगे बढ़। उसी प्रकार से हमारे विद्यार्थी बोलते हैं हमको तो बहुत बहुत इतने आगे सब जगह ये वो बोलता है बोलता हम कैसे आगे बढ़े हम आगे कुछ नहीं कर रहे हैं खड़े हो जाए। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं नामक पद पर आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये प्रश्न पूछा है इसके लिए मुझे चार घंटा चाहिए। माई क्वेश्चन इज हाउ टू कॉन्सेंट्रेट अवर माइंड, हाउ कैन वी कॉन्सेंट्रेट टू अचीव अवर गोल्स, ये दूसरा प्रश्न, हाउ कैन वी कॉन्सेंट्रेट टू अचीव अवर गोल्स। टू अचीव अवर गोल कॉन्सेंट्रेट करने के लिए क्या करना है, पहले गोल को निश्चित करो अच्छी तरह रैशनली और फिर उसको लिख करके रखो, अपनी डायरी में लिख के रखो, दीवार में लिख करके रखो, अपने आप को रिमाइंड कराओ और एक वाक्य लिख करके रखो, अराइज अवेन एंड स्टॉप नॉट टिल दी गोल इज रीच्ड, ऐसा करके गोल की तरफ जाओ। हाउ टू कॉन्सेंट्रेट व्हाइल डूइंग मेडिटेशन, बिकॉज मेडिटेशन प्लेज अ वाइटल रोल टू स्टे फोकस, बहुत अच्छा प्रश्न है। मेडिटेशन हम करते हैं तो हमारा मन इधर उधर भटकता है, कई लोग ये बात करके बोलते हैं प्राइवेट बात मुझे बोल के जाते हैं, तो इसका कारण क्या है कि हमारा जो मन जो है ना बंदर जैसा है बंदर है ना वो बंदर चंचल रहता है, एक जगह चुपचाप बैठता नहीं, खूब खूब करके कूदता रहता है, हमारा मन भी उछल कूद करते रहता है। स्वामी जी बोलते हैं एक बंदर था उसको किसी ने शराब पिला दी और उछल कूदने लग गया, फिर उसको किसी ने बिच्छू के साथ डंक मार दिया, बिचड़ा काट दिया और उछल कूद कर लिया, फिर एक भूत उसके सिर पर सवार हो गया, अब देखो उसकी उछल कूद,
उसी प्रकार से हमारे भीतर मन कैसा है, चंचल है, हमेशा उछल कूद करता है। फिर हम लोग दिन रात क्या करते हैं, शराब पीते हैं। कौन सी शराब? इच्छा रूपी शराब। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये पैसा चाहिए, मुझे ये वाला मोबाइल चाहिए, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, मुझे ये वाला बूट चाहिए, मुझे ये चाहिए, और इच्छा रूपी शराब पीते रहते हैं। फिर बिच्छू काटता है, बिच्छू माने ईर्ष्या रूपी बिच्छू। वो आगे निकल गया, कैसे आगे निकल गया मेरे से, कैसे मेरे से आगे निकल गया। ये बिच्छू डंक मारता है और मन चंचल होता है, और फिर अहंकार रूपी भूत सवार होता है, तब देखो उसके उछल। ऐसे मन को कॉन्सेंट्रेट करना बड़ा कठिन है, पर संभव है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन ने कहा, अर्जुन जैसा अर्जुन बोलता है, चंचल ही मना कृष्ण प्रमादी बलवत दृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरेव दुष्करं। हे भगवान, आपने कहा तो मुझे ध्यान करने के लिए, पर मेरा मन तो इतना चंचल है कि उसको इतना कठिन मानता हूँ, उसको वश में लाना, मुट्ठी में वायु को वश में लाना, कंट्रोल करना जितना कठिन उसे ज्यादा कठिन। और फिर कृष्ण भगवान अभी इस बात नहीं कहते क्या कायर के समान बात करते हैं, नहीं, क्या कहते हैं, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यास न तो कौनते वैराग्य चे। ये बात हे कृष्ण हे अर्जुन, तेरी बात सच है, इस मन को वश में करना बड़ा कठिन है पर असंभव नहीं है। दो बातों से संभव हो जाता है, क्या क्या? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस 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 मेक्स इट मैन परफेक्ट। तो दूसरा है वैराग्य। वैराग्य का मतलब होता है प्यूरिटी, डिटैचमेंट। द स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट विल कम व्हेन दिस माइंड इज प्योर। हमारा मन शुद्ध होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। चलो लैपटॉप खोलो, सब लोग अपना अपना लैपटॉप खोलो। नहीं है लैपटॉप, ये लैपटॉप है कि नहीं? इसमें जितनी मेमोरी ऐसा लैपटॉप वाला, ऐसा मेमोरी वाला लैपटॉप नहीं बनाया है ना, इसको खोलो। खुलिया, अभी मैं डाटा एंट्री करेंगे हम लोग, मैं बोलूंगा तुम जोर से बोलना, तब जाके अपने आप हो जाएगा। इसमें ऐसा ऐसा नहीं करना है, मैं बोलूंगा उसको करना है। हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। हमारा मन जितना शुद्ध होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। दूसरी बात है मन को एकाग्र करने के लिए प्रैक्टिस, अपॉइंटेड टाइम, एक रेगुलर के लिए होना चाहिए। मेरे पास बहुत विद्यार्थी आते हैं, मैं पूछता है भैया कितने बजे उठते हो, कुछ निश्चित नहीं है, कभी 7 बजे कभी 8 बजे कई बार 9 भी बज जाता है। भैया तुम्हारे सोने का टाइम क्या है? हाँ कुछ निश्चित नहीं, कभी 10 बजे 11 बजे अच्छी पिक्चर के 1 भी बज जाए। भाई तुम्हारा पढ़ाई का टाइम क्या है? हाँ कुछ निश्चित नहीं, मूड आता पढ़ लेते। भाई तुम्हारा खाने का टाइम क्या है? कुछ निश्चित नहीं, भूख लगती खा लेते। और खेल कूद का टाइम मुझे निश्चित नहीं, वो का टाइम मुझे निश्चित नहीं। फिर मेरे बाप को स्वामी मन की एकाग्रता कैसे है, कब आएगी? कुछ निश्चित जब तुम्हारा कुछ निश्चित नहीं है तो एकाग्रता निश्चित नहीं। एकाग्रता निश्चित करने क्या करना पड़ेगा? उठने का टाइम, उठने का टाइम, सोने का टाइम, पढ़ने का टाइम, खेल कूद का टाइम, खाने का टाइम, तो एकाग्रता। तो एकाग्रता, चलो लैपटॉप खोलो। खुला हमारा जीवन जितना नियमित होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। हमारा जीवन जितना नियमित होगा उतना हमारा मन एकाग्र होगा। तो ये एकाग्रता की थोड़ी सी टिप्स मैंने दी है, और एकाग्रता के बारे में मेरी किताब है, बात तुम वहां से ले लेना, अभी बुक स्टॉल में से ले लेना, उसमें सब डिटेल्स में मैंने दिया है। और अधिकांश प्रश्नों के उत्तर दे दिए, बाकी सब वो किताब जो तुमको दी है उसमें मिल जाएगा। तो मैं पुनः स्वामी विश्वात्मा जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, उन्होंने मुझे ये अवसर दिया आप सब मिल सकूं। आप सब लोगों को मिल करके मुझे बहुत आनंद आया। मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी देर नॉट आउट बैठे रहे और सुनते रहे और प्रश्नों के उत्तर देते रहे। तो मैं अंत में स्वामी विवेकानंद जी, जिनके आजादी का अमृत महोत्सव स्वामी विवेकानंद के नाम से जब ये हम मना रहे हैं,
तो स्वामी विवेकानंद के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि हम सब पर उनकी कृपा बरसे, उनके आशीर्वाद हम सब पर बरसे, हम सब स्वामी विवेकानंद की उनकी पुस्तकों को पढ़ करके आत्मसात करके अपने स्वयं का चरित्र निर्माण करें, हमारा संपूर्ण व्यक्ति संपूर्ण व्यक्तित्व विकास करें, पीपीडी टोटल पर्सनल डेवलपमेंट करें एवं देश और समाज के लिए अपना थोड़ा कुछ भी अपना प्रदान कर सके और हमारे देश को फिर से विश्वगुरु बनाने में हमारा यत्किंचित हमारा योगदान दे सके, ऐसी शक्ति हमें प्रदान करें स्वामी विवेकानंद। ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए आप सबके भीतर दिव्य चेतना विराजमान है उसको प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। उसका तो चर्चा लिखा तो निकला हुआ था। मुझे महाराज श्री के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। महाराज श्री ने भक्ति हरि का उदाहरण दिया तो मैं भी एक श्लोक कोट करना चाहता हूँ। ईशाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न सीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगस्य चरन्ति। और हिंदी में बोले तो झड़ गई पूंछ रोमांच झड़े पस्ता का झड़ना बाकी है ऊपर ऊपर तन समर गया मन का समरना बाकी है। और इसी मन को संवारने के लिए महाराष्ट्र ने जितने भी पावर कैप्सूल आपको दिए हैं मैं कर जोड़ कर आपसे प्रार्थना करता हूँ उनको आप आत्मसात करें। और महाराष्ट्र के प्रति मैं क्या बोलूँ उनको शब्दों में उनके प्रति बोलना ये मेरी धृष्टता होगी। महाराज एक बहुत बड़ी सेलिब्रेटेड ग्लोबल ऑरेटर है। महाराज विभिन्न शिक्षण संस्थानों में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में रेगुलर विजिट करते हैं और महाराज के लेक्चर्स को आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के नाम से आप सर्च करें, ईमेल आईडी हम लोग आपको दे देंगे, आपके मन में जो भी डाउट होगा आप महाराज जी से पूछ सकते हैं।